हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि व्याख्या के साथ रहेंगे, जो आपके आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका ए ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है अधिकृत मंत्री, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, पर इसका आंसर सही क्या होगा तो वो हो जाएगा संसद। अब इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, ठीक है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार होता है। संसद का संघ वित्त के पूर्ण नियंत्रण होता है। प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति का गठन भी संसद द्वारा किया जाता है। भारत की संचित निधि पर संसद का पूर्ण अधिकार होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहा जाता है, इसका उल्लेख संविधान के अंदर 148 से अनुच्छेद 151 तक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक एक ये एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और ये इसके आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक होते हैं। ये लोक परीक्षक या महालेखा परीक्षक क्या कार्य करता है? तो ये लोक वित्त संरक्षक एवं लेखा परीक्षण का, लोक विभाग का ये मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे किस नाम से जानी जाती हैं? ए ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, बी ऑप्शन है वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, सी ऑप्शन है निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती हैं, डी ऑप्शन है उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों द्वारा सरकार खाद्यान्न खरीदती है, वे वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। अगर वसूली कीमतों की बात करें तो वसूली कीमतें वह कीमतें होती हैं जिन पर सरकार कृषि या किसानों से उपज का क्रय करती है। सरकार द्वारा कृषकों से कृषि उपज की यह खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, बैंक दर का क्या तात्पर्य है उस ब्याज की दर से? ए ऑप्शन है जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेप पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, बी ऑप्शन है जो कर्ज और अग्रिम पर प्रभारित करते हैं, सी ऑप्शन है जो बंद पत्रों पर देय होता है, डी ऑप्शन है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों द्वारा बट्टागत करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत बैंक दर से अगर तात्पर्य पूछ लिया जाए तो जिसे भारतीय बैंक रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय पत्रों का बट्टागत करते हैं, इसे कहते हैं बैंक दर। बैंक दर का अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिल की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिभूतियों द्वारा ऋण देता है। कुछ देशों में इसे कटौती दर भी कहा जाता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है अधासंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बी ऑप्शन है कृषि का पुनरुद्धार, सी ऑप्शन है कृषि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी समृद्धि के लिए अधसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता, ये सभी आवश्यक हैं। इसके विस्तार के बारे में बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो टेन्योर था वो था 2007 से 2012,
इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना, आर्थिक विकास के से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना, समावेशी समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक जिले के महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकली है। इस नदी की कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए तो ये 1465 किलोमीटर की है, ठीक है। और जलग्रहण क्षेत्र 313,812 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जबकि कृष्णा महानदी एवं नर्मदा की लंबाई 1400 किलोमीटर 851 किलोमीटर NCERT के हिसाब से एवं 1312 किलोमीटर है, जबकि जलग्रहण क्षेत्र 259,000 वर्ग किलोमीटर 141,000 वर्ग किलोमीटर 98,795 वर्ग किलोमीटर रखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी इसमें गोदावरी का क्वेश्चन है, तो गोदावरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये नासिक ज़िले में है। और कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक गाँव की एक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर की है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 बंद का संबंध है। ए ऑप्शन है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय से, सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय से, डी ऑप्शन है ज्वारीय बंद से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से 16 बंद का संबंध होता है। 16 बंद का संबंध दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से होता है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटबंधी वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सोलास वन कौन से होते हैं? जो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पढ़ाई जो पहाड़ी हैं उन पर पाए जाते हैं, और शीतोष्ण कटबंधीय वन उन्हें सोलास वन कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों को मैग्नोलिया, लेटेल, सिंकोना और वैरल का आर्थिक महत्व होता है। ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल की श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची वन व सूची द्वितीय को सुमेलित करना है। एक और लौह अयस्क दिए गए हैं, दूसरी ओर राज्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसको आपको चयनित करना है। तो सही उत्तर, बादाम पहाड़ कहाँ पर है? तो बादाम पहाड़ आपके ओडिशा के अंदर है। डल्ली राजहरा कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख जो अगर पूछ लिया जाए तो कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, और नोआ मंडी जो है झारखंड में है। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलन करना है। ज्वालामुखी दिए गए हैं और इस घर देश दिए गए हैं। तो माउंट रेनियर कहाँ की ज्वालामुखी है? एटना कहाँ की ज्वालामुखी है? तो आप सभी लोग जानते हैं एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर है। तो इसका बी का वन हो गया। माउंट रेनियर की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्वालामुखी है, तो ये USA हो गया। उसके बाद आता है आपका पैराकोटिन, तो ये एक मेक्सिको का ज्वालामुखी है। अब ताल बचा तो ये कहाँ का हुआ? ये फिलीपींस का हुआ। अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आते, दो आते हैं तब भी आप क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, ठीक है।
और ये जो ताल है और ये ज्वालामुखी फिलीपींस द्वीप समूह में स्थित है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है। ए ऑप्शन है अति ठंडा पानी, बी ऑप्शन है अति गर्म पानी, सी ऑप्शन है अत्यधिक लवणीय पानी, डी ऑप्शन है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है, महासागरों में गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती हैं। जहाँ इन गर्म एवं ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है उसे प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन केंद्र पाया जाता है। सार्गेसो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित। किसी कोड के अंतर्गत मैन को IMNA लिखा जाता है तथा रियल को ARLE लिखा जाता है, तो इसी कोड में लॉयन को क्या लिखा जाएगा? बहुत सरल है, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं। लॉयन लिखेंगे आप, फिर जो लास्ट वाला वर्ड है वो पहले आएगा, फिर पहले वाला सेकंड नंबर पर आएगा, फिर लास्ट वाला यहाँ आएगा और फिर सेकंड वाला लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा OLNI, OLNI। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित की जा रही COVID-19 वैक्सीन के मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI या मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति दी गई, यह किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो ये ऑप्शन है भारत बायोटेक, बी ऑप्शन है सन फार्मा, सी ऑप्शन है ल्यूविन लिमिटेड, डी ऑप्शन है ग्लेनमार्क फार्मा। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को पता होगा, भारत बायोटेक के द्वारा इसे विकसित किया गया था। भारत में विकसित की गई COVID-19 की वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया था। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। भारत बायोटेक को मानव क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दे दी गई थी। ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब ये तब की बात है जब COVID-19 चल रहा था, तो याद रखिएगा उस समय करंट का क्वेश्चन था, पर अब पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका संचालन किस राज्य के दो स्टेशनों के बीच किया गया था? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में जनवरी को बुधवार था, तो उसके पहले वर्ष में जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगर लीप वर्ष की बात हो रही है तो एक वर्ष जो एक दिन बढ़ जाएगा। देखो पिछले वर्ष कुल दिनों की संख्या जो रही थी वो 365 रही थी, ठीक है। शेष दिन की अगर बात करें तो 365/7 तो बराबर एक दिन पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। अगर लीप वर्ष है तो एक दिन घट जाता है। पहली जनवरी बुधवार था तो अगले वर्ष पहली जनवरी को मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है धोबिया, बी ऑप्शन है राई, सी ऑप्शन है सायरा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। धोबिया राग पूर्वांचल धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर नृत्य किया जाता है। शायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा, सॉरी, किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची वन व सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए। तो उद्योग और केंद्र पूछे गए हैं, तो लकड़ी कास्ट के खिलौने आप सभी लोग जानते हैं, कास्ट के खिलौने जो लकड़ी के खिलौने हैं वो वाराणसी में उपलब्ध होते हैं। खेल का सामान
मेरठ में, पीतल की मूर्तियां अगर पूछ ली जाएं तो ये मथुरा में, और दिया सलाई उद्योग बरेली के अंदर। अगर इसमें मथुरा की जगह मुरादाबाद होता तो वह भी सही होता, क्योंकि ब्रातों के लिए मुरादाबाद भी जाना जाता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनके पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जनपद दिए गए हैं और खनिज दिए गए हैं, तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से एक एक निर्धन राज्य है, जहाँ पर मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, इलाहाबाद की पठारी